जो परमात्मा का नाम जुटेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज से सबके सब होने के आगे पीछे नहीं। आपकी आवाज मेरे कानों तक धीरे धीरे आनी चाहिए जिससे मैं ये समझ आऊं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। पहले मैं बोलूंगा उसके बाद में आप जो भी नाम में पहुंचा जाऊंगा आप पहुंचे जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। बोलो सबके सब जय होते। ये तो नाम हो गया कि यहां पर कोई ये आपका बंद करता हूं और धूप के ऊपर छुपिया काटता हूं। तुम तो चौबीसों घंटे और 12 महीने गर्मी बरसात जाड़े में ये कपड़े कपड़े मिट्टी में शरीर से मेहनत जो आप करते हो ये छोटा मोटा काम नहीं। तो धूप के ऊपर छुपिया काटता तुमसे बड़ा प्यारी कौन हो सकता। जो मिट्टी में काम करता है जो खड़े खड़े तैर करके जो काम करते हैं जाड़े बरसात में जो काम करते हैं और भूख प्यास में जो काम करते हैं तुमसे बड़ा त्यागी कौन। तुमने अपने से ज्यादा त्यागी क्यों किसी को समझा। जब तुमने अपने से बड़ा त्यागी समझ लिया अरे शारीरिक त्याग तुम्हारा सबसे बड़ा आत्मा का त्याग तो तुम छोड़ दो आत्मा की सिद्धि तो तुम छोड़ दो लेकिन शरीर की सिद्धि और शरीर की उदारता और शरीर की मेहनत इससे बड़ा और त्याग कोई क्या कर सकता है। तो धूप के ऊपर छुपोर का संगठन का यह आयोजन जो आपके सामने इतना बड़ा जो हो रहा है उसका आप देखो कि धूप के ऊपर छुपोर कास्ता होगा विधवत पूजन के साथ में वो धंधा 1001 आदमियों के साथ में वो फहराया गया। उसमें 5 कन्याएं थी और पूजन करने वाले भूम ज्योति छिपियर ये कास्ताल अलग थे। 1001 जो आपने इस झंडे को पकड़ा है ये विधवत झंडा फहराया गया। ये झंडा कितना है भूम ज्योति छिपियर कास्तारों का ये जो सामने आप देख रहे होते हैं जैसे तो ये भगवान का नाम है और उधर जो देख रहे हो आप उधर वो साठ वालों का दूर करती वो अलग है उससे कोई मतलब नहीं। ये भगवान का और ये धूप देते चुके हैं ये कास्तकारों का ये आपके सामने दिखाई दे रहा। बड़े ध्यान से सब लोग सुनेंगे आज हमारे देश में कास्तकार जो भूख चोटक है वो बड़े दुखी है बड़े परेशान है रोते हैं चिल्लाते हैं इनकी कहीं फरियाद कहीं सुनवाई नहीं होती। मैंने पूरा पूरा देश में इन भूख चोटक हितर कामकारों का अध्ययन कर लिया। ये बड़ी भारी भयंकर परिस्थिति में बदले हुए हैं उस परिस्थिति में बीमारी है उस परिस्थिति में गरीबी है उस परिस्थिति में लूटे जाते हैं मारे जाते हैं सताए जाते हैं अन्याय किया जाता है झूठे मुकदमे झूठी दवाइयां तरह तरह की परेशानियां हमारे कामकारों को मिल रहे हैं। इनकी तरफ से कोई भी सुनने वाला नहीं है। बाबा जी ने जब ये सब कुछ जानकारी अनुभव किया तो एक इम्तहान दिया और इनका सर्वे किया तो ये पता चला कि बेचारे कितने दुखी इनके बच्चे जो है कितने हमारे छात्र वो बेचारे कितने के दुखी उन्हीं के बच्चे कर्मचारी अधिकारी जो नौकरी करते हैं वो भी कहते हैं अरे महाराज दुआ देते जाओ आशीर्वाद देते जाओ हमारे कष्टों को भी कुछ भूल लीजिए। छात्र कहते हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही है दुकानदार ये कहते हैं अरे महाराज कुछ हमारी भी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे हम बहुत सताए जा रहे हैं हमको लूटा जा रहा घर घर में तलाशी दी जा रही है कुछ हमारी भी सुनते जाइए और हमको भी कुछ आशीर्वाद। इनके विचारों की भेजियां अलग अलग हो गई है कि महान सब प्रदेश पर मानो जनता महान किया में उधर दिन में इसको कोई पारा नहीं मिलता। बाबा जी ने भूम ज्योति छिपियर कामकारों की आधार खुला 10 सितंबर
देवनखा गांव तहसील केसरगंज जिला बहराइच में 10 सितंबर 1987 को रखी। भूमि के संगठन की आधारशिला 10 सितंबर 1987 को देवनखा ग्राम तहसील केसरगंज जिला बहराइच में रखी गई। आधारशिला को कहीं भी सुनाकर एवं दी जा सकती है और काश्तकारों का पहला काम इनके संगठन का टुटारा ग्राम तहसील संजीना जिला हरदोई में हुआ 5 नवंबर। इतना विशाल कार्यक्रम टुटारा ग्राम में तहसील संजीना में उस मैदान में जो पहला ये काम था काश्तकारों के संगठन का हुआ वो दुनिया के तमाम लोग प्रकाशित हो गए। और दूसरा काम आपके आदेश का ये तहसील आपके ये तहसील है मछली शहर, लेकिन जो बड़ा कपड़ा आपका मुजरा आता तो ये ग्राम आदेश सुनने के आपसे हो रहा ये छोटा मोटा काम नहीं करे ध्यान से आप सुनेंगे। मुझे सब कुछ है आज ये धंधे के वक्त में प्रार्थना और प्रार्थना की गई और प्रतिज्ञा ये इस धंधे के समझ में धंधे के नीचे जनमानस के समझ धंधे के नीचे प्रार्थना की गई कि जो भी इसके सामने वचन दिया जाएगा वो सब का सब पूरा किया जाएगा। ठहर जाओ आप लोग बच्चे देना चाहते खूब जोकर दिव्यांग कामकारों का संगठन देश में इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। भारत वर्ष के लोग इसको देखते देखते चकित रह जाएंगे। अब तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है किसी झंडे के नीचे जाने की और जाने की मरीज बनकर पड़े रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे संगठन का झंडा तुम्हारे सामने आ गया उसका नाम भूमि ज्योतक कृपया कामकार संगठन। अरे देश के भूमि ज्योतकों तुम अपने झंडों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हाथ में ले लो किसी को झंडे के सामने नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने दादाजी की बात को मान लिया दादाजी को तुम्हारे लिए बड़ा दर्द हुआ बड़ी चिंता हुई। अपनी अपनी जगह बैठे रहो बैठे रहो अपनी अपनी जगह और देश देश को देखिए और देश देश को बेबस के और देश देश को तुम अपनी आंखों को खोलो और कानों को और बुद्धि से उसका काम लो। ये मैदान में बुद्धि काम हो रहा है बैठे रहो बच्चे आंखों को सीखो कान से सुनो बुद्धि से काम लो। बाबा जी तुम्हारे लिए बड़ी चिंता में थे सुख में थे रोते और चिल्लाते थे आदमियों की तैयारी कर रहे थे तुम्हारे लिए तुम ये नौ लोगों के हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। हम सोते रह गए हम रोते रह गए चिल्लाते रह गए हमारी कोई सुनवाई बाजार में नहीं हुई है। तुमको घबराने की जरूरत नहीं है ये भूमि ज्योतकों का सम्मेलन हो रहा है। संगठन उसका ये झंडा फहरा गया इसका काम होगा इसका नाम होगा इसका ज्ञान होगा इसकी शक्ति होगी इसके वादे पूरे होंगे। तुम अपनी आंखों को देखो इनको देखते रहो आप लोग खोलेंगे नहीं वो नहीं खोलेंगे इनको देखो ये कौन है
इनके चेहरे की तरफ देखो, बगल की तरफ देखो, जब देख लोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा, बिना देखे हुए तो समझ में नहीं आ सकता। अपने देश में महात्मा है, अपने गंगा जमुना है, अपने मंदिर मस्जिद है, अपनी रामायण है, अपनी नीता है, अपनी कुरान है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो आप दादाजी आपके लिए देश के अंदर बैठे नहीं थे, आदमियों की तैयारी कर रहे थे कि देश रोएगा, जनमानस रोएगा, छोटे रोएंगे, बड़े रोएंगे, पढ़े लिखे रोएंगे, कर्मचारी अधिकारी रोएंगे, हमारे भूम दोषक रोएंगे, हमारे जितने भी दुकानदार छोटे बड़े ये सब रोएंगे, चिल्लाएंगे। तो इनके लिए कोई न कोई दवा और कोई रास्ता इनको निकाल करके दे दिया जाएगा। जब ये मांगेंगे तो इनको मिल जाएगा। भारतवर्ष में ये भारतवर्ष है, लोग ये कहते थे धर्म डूब गया, लोग ये कहते थे धर्म खत्म हो गया, गीता रामायण खत्म हो गई, मंदिर खत्म हो गए, इनको गिरवा दिया जाएगा, गुरुद्वारों को तोड़ दिया जाएगा, मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। ये रोज अखबारों पर आप सुनते हो, लेकिन ये भूम जो तक कृत्यकाचार जो संगठन का जो दूसरा काम इस अमोद गांव में जो हो रहा, ये कोई रेडियो और अखबारों पर नहीं, आपका कोई भी भूम जोतकों का, कोई भी समाचार भूम जोतक कृत्यकाचारों का, कोई भी समाचार अखबार और रेडियो पर नहीं। बाबा जी ये क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा, भूम जोतक कृत्यकाचार संगठन, हम आपको तैयार करके मेहनत करके परिश्रम करके सब कुछ आपको दे देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी तरफ देखो, इधर से आप देखिए, ये झंडा आपका है, हमने आपका पकड़ा, इधर देखिए आपको पकड़ा देंगे, ये भगवान का झंडा है, देखो जिस पर खाली जय गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, जय जो है हनुमान गुसाई, कृपा करो। तो आप ये रामायण गीता तमाम वेदों और शास्त्रों में ये अतुल ज्ञान है, वो आपके आपने अभी तक नहीं समझा, तो ये देखो ये आपको तैयार करके देंगे और ये आपको वचन दिया जाता है, उसको आप सुनेंगे। भारतवर्ष में पहले से बात ये थी कि मुंबई प्रशासनिक समारोह में भारत के प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर के जोरदार उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि हमारा पूरा का पूरा शासन भ्रष्ट है, हमारे जितने भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी सब भ्रष्ट है, इनकम टैक्स सेल्टर के जितने कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट है। उन्होंने कहा हमारे देश के साथ एक कामदार उद्योगपति भ्रष्ट है, और उन्होंने कहा कि हमारे देश के एक कामदार और छात्री सबके सब भ्रष्ट है। कितना जोरदार वक्तव्य दिया उस शताब्दी समारोह मुंबई में कि विश्व में रेडियो और विश्व के अखबारों में और भारत का रेडियो और भारत के अखबारों में जोरदार शब्दों में आया। जब उन्होंने ये कह दिया कि हमारा शासन पूरा का पूरा भ्रष्ट है, तो भारत के प्रधानमंत्री को यह चाहिए था कि तुरंत इस्तीफा दे देता। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही हूं, मैं तो ये सिद्ध करूंगा कि हमारे भारत जितने भी एमएलए एमपी है उनमें कोई विद्रत नहीं, हमारे पुलिस का सिपाही पुलिस का अधिकारी कोई विद्रत नहीं, इनकम टैक्स सेल्टर्स का कोई भी कर्मचारी अधिकारी विद्रत नहीं, जितने भी हमारे देश में सेठ और साहूकार उद्योगपति उनमें से एक भी विद्रत नहीं है, और हमारे जितने भी कामगार और बच्चे जो छात्र हैं उनमें से कोई विद्रत नहीं। और कहोगे कि भारत के जिम्मेदार उप प्रधानमंत्री ने कहा ये सब रखते हो और आप कहते हो कोई दुरुस्त नहीं, तो आप हमको तो कम से कम बताइए सही और सच्ची बात तो यह है कि इनमें से कोई दुरुस्त नहीं है। देश की कामगारों की दुकानों की दफ्तरों की स्कूलों की जितने भी कारखानों की ये व्यवस्था है ये सब की सब दुरुस्त है, इनमें कोई दुरुस्त नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त है। क्या दुरुस्त है, जोर से बोलो क्या व्रत है, जोर से बोलो क्या व्रत है, और जोर से बोलो क्या व्रत है, व्यवस्था व्रत इनमें से कोई भी व्रत। और शरीर की बात तो यह है
कि जिसने ये कहा था उसको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। दिल्ली की पार्लियामेंट का खर्चा 1 मिनट का 2 लाख, 7 मिनट का 1 करोड़ 20 लाख। और आपको मालूम होना चाहिए कि 8 घंटे का दस किस पार्लियामेंट का 10 करोड़ का खर्चा, यानी 8 घंटे का हो तो बताओ साल का कितना खर्चा होगा। ये इतना 35 अरब रुपया कहां से आएगा? ये भारत की ये फॉर्म जो है, ये जितने भी कामगार मिट्टी में काम करते हैं, ये 1 अरब 60 करोड़ ये कमा कमा करके दे रहे हैं। अगर बिजली का 1 खंभा भी लग जाएगा तो पूरा रुपया उसको देना, उनका कट जाएगा कनेक्शन तो वो सब चला गया होगा। क्या कल कर जाए? ये फोन के खर्चे ये सब इन्होंने किए। हमको सब मालूम है, हमने सब जानकारी दी। जब पार्लियामेंट का इतना दिल्ली में खर्चा है, ये कहां से आएगा? ये तो पूछना चाहिए आप। ये विधानसभाओं का खर्चा इसका कितना होता है? वो एशियाई आग जो वहां बना रखे खेलों के बेकार, उसका 8 लाख रोज का खर्चा उनका दिल्ली में होता है, तो साल का कितना खर्चा हो जाएगा? वो कौन देगा? ये कौन देगा? ये जो मिट्टी में काम करते हैं इनको देना, इनके सब कुछ उतर जाएंगे। अब तो उतार ही लिया इनकी बेटियों का जेवर, यानी सोना और चांदी तो ये उतर ही गया। ये तो बिचारी लक्ष्मी अभी नंगी हो ही गई। लेकिन भारत के जिम्मेदार व्यक्ति ने ये कैसे कह दिया कि हमारा ये कामगार, हमारे कर्मचारी अधिकारी सेठ और साहूकार ये सबके सब भ्रष्ट है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अभी 4-5 दिनों की घटना है, वो लखनऊ में आए और फौरन वापस जाकर उन्होंने कहा कि भारत की जनता समाज को आपको कबूल नहीं करेगी, क्योंकि जितनी योजनाएं बनाई गई वो हमारे मंत्रियों ने और हमारे कर्मचारी अधिकारी ये सबसे सब योजना भोगते जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी इनको झूठा बदनाम किया जा रहा, यही प्रधानमंत्री खुद भोग रहे हैं, यही बोले जा रहे। जब विदेशी बाइकों ने जब इस जनता का आपने धन इकट्ठा कर लिया और विदेशों में जाकर के लाखों में और खातों में अगर धन जमा कर दिया है, उसको अभी तक नहीं बताया जा रहा। ये छुपने वाला नहीं है, इनको देखिए, ये आप इनको देखिए, इनकी तरफ देखिए, और ये देखिए बेचारे कहते महाराज हमारे ऊपर तैयार किए जाओ। सिपाही आता है कि बड़ी परेशानी है, क्यों भाई? चलेंगे हमको ऊपर से आदेश आया है कि जल्दी से पकड़ के ले आओ नसबंदी करने के लिए, नहीं तो तुमको तनख्वाही मिलेगी और तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरे पास तो रोज ही शिकायतें आती है, अरे डॉक्टर क्यों ऐसा काम करते हो, मत करो। अरे भाई वो मतलब ये है कि इसमें क्या रखा हुआ, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ नसबंदी के अभियान को छोटे रूप में नहीं चलाया गया, बहुत बड़े रूप में चलाया गया, और अपनी जनसंख्या अगर आप नहीं कम कर सके तो आगे संभावने वाली नहीं है। अब तो ये आपको करना चाहिए कर्मचारी अधिकारियों को कि फौरन नाम लिखो और नाम लिख करके रजिस्टर पर चढ़ाओ, और डॉक्टरों की इतनी मेहरबानी होना चाहिए कि हाँ ठीक है हो गया। भारत का प्रधानमंत्री किसी की धोती खोल करके तुम देखेगा नहीं किसकी नसबंदी हुई कि नहीं, वो तो देखने वाला है ना, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा लगा हुआ, इतना बहुत ज्यादा लगा हुआ है कि बहुत मुश्किल है। तो वो तो भारत का प्रजातंत्र ही खत्म हो गया, वो तो चला ही गया। अरे भारत के प्रधानमंत्री को जो जनप्रिय हो उसको तो ऐसा है कि एक भी सिपाही रखेगी, जरूरत नहीं, वो तो इतना जनप्रिय है चाहे वो आपसे काम करेगा, जनता उसको अपने हृदय में बैठाएगी। लेकिन ये है कि जब खराब काम होंगे तब कैसे जनता आपके हृदय में बैठा, बहुत मुश्किल है। तो अभी उन्होंने ये कह दिया है कि भाई ये हमारे अधिकारी और कर्मचारी और हमारे मंत्री ये सब योजना खोते जा रहे हैं, अरे इनको मतदान करते हो, ये कुछ नहीं है, तो बेचारे बड़े परेशान है। उधर तो कहते हैं महाराज हमको कितनी तनख्वाह मिलती है, बाल बच्चों पूरा ही नहीं करता, हम क्या करें, बड़ी तकलीफ में, बड़ी परेशानी में। ये कहते हैं उधर वो कह रहे ये देखता होगा कि हमारे घरों में रोज छापा डाला जाता है, ये हमारे कामगार अलग हो रहे हैं, तो मैंने इन सबके लिए दवा बना दी। मैं ये झंडा पकड़ के
चित्तौड़ का झंडा पकड़ के और इस झंडे के नीचे अबोधपुर गांव और मोगरा मातापुर कस्बे के बीच में ये हम घूम दौड़ते इन विद्यालयों से ये प्रतिज्ञा और वादा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें थोड़ी देर के लिए। क्या साथ दे दो अपने झंडे को ले ये घूम देते चित्तौड़ का संगठन का झंडा ये सब के सब ये पकड़ रहे जितने भी झंडे लोगों के नीले पीले हरे ये सब के दक्षिण के पास जाकर नीचे यानी मरीज बन जाते हो और रोते हो कि जाते हो चिल्लाते रहते हो कोई सुनवाई नहीं। जब तुम ये झंडा पकड़ लोगे अगर हिंदुस्तान के वो लोग नीले और पीले झंडे फेंककर तुम्हारे झंडे के नीचे अगर ना हो जाए तो बाबा जी को बाबा क्या नहीं कहेंगे। इस अपने झंडों को आप पकड़ ले मैं आपके झंडे को पकड़ के क्या करता हूं और ये वादा करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के भूम देवता के तैयार इन कास्तकारों ने अपना संगठन तैयार कर लिया तो मैं ये पहला हिंदुस्तान में व्यक्ति हूं कि 40 वर्षों से जितने भी इन कास्तकारों के ऊपर में सरकारी कर्जे लगे हुए हैं सबसे बड़ा कर्जा ट्रैक्टर का ट्रैक्टर टूटल कुआ इंजन नाली नहर भैंस दाल घोड़ा गदा ऊंट सुअर और बकरी और हल और यंत्र और खाद और बीज और दवाएं और भी छोटा मोटा कोई भी कर्जा जितना भी सरकारी कर्जा इन भूम जोतों के ऊपर लगा हुआ होगा इनसे हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भूम जोतों खेतों का कास्तकारों का संपूर्ण कर्जा एक तरफ से